वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंस ऑफ स्मार्ट शॉप। मैं हूं आपका होस्ट संदीप जडवाल। और दोस्तों, आज का मेरा वीडियो जो है वो रॉयल एनफील्ड लवर्स के लिए ये वीडियो है। हर एक बंदा अपने रॉयल एनफील्ड को मॉडिफाई या उसको अपग्रेड या उसके ऊपर एक्सेसरीज इंस्टॉल करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। मैं भी एक रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का ओनर हूं और मैं भी चाहता हूं कि उसको अपग्रेड करूं या उसके ऊपर एक्सेसरीज इंस्टॉल करूं। तो इसीलिए मैंने काफ़ी सर्च करने के बाद में अमेज़ॉन से जो है कुछ एक्सेसरीज जो हैं वो ऑर्डर की हैं और वन बाय वन वो आ रही हैं। मैं उन सभी एक्सेसरीज को आपको इंस्टॉल करके दिखाऊंगा और आपको ये यकीन मानिए बहुत अच्छा लगेगा। तो अगर आप भी हैं एक रॉयल एनफील्ड के ओनर तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो देखना चाहिए। एट प्रेजेंट मेरे पास में थंडरबर्ड 350 एंड रॉयल एनफील्ड का ही क्लासिक 350 दोनों मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो मैंने दोनों के जो डिस्क ब्रेक रिजर्वायर के कवर हैं वो मंगवा लिए हैं और आपके सामने मैं उनको इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए। तो दोस्तों, ये है वो पैकेट जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया है। इसमें दो डिस्क ब्रेक रिजर्वायर कवर्स हैं फॉर रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड 350 एंड फॉर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 मॉडल्स। तो दोनों का मंगवाया, खोल के देख लेते हैं और फिर आपको इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये थंडरबर्ड के लिए होगा और ये क्लासिक के लिए होगा। तो दोनों को हम कर लेते हैं ओपन और पहले खोल के देखेंगे कि प्रोडक्ट कैसा है और उसके बाद में इंस्टॉल करेंगे। तो जी, ये आ गया हमारे पास में थंडरबर्ड क्लासिक और रॉयल एनफील्ड के जो डिस्क ब्रेक रिजर्वायर्स होते हैं, हैंडल के ऊपर होते हैं, उसके ऊपर का कवर है। तो ये देखिए, इस पे बकायदा थंडरबर्ड एक्स ये लिखा हुआ है और ये रॉयल एनफील्ड का लोगो। बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो प्रोडक्ट है, स्टेनलेस स्टील का लग रहा है मुझे। और ये इसके साथ में दो पेच हैं और साथ में ये वॉशल निकली है। आई थिंक एक वॉशल और होनी चाहिए इसके साथ में, इसके पैकेट में। जी हाँ, है इसमें। तो ये दो स्क्रूज और ये साथ में इनके वॉशल जो हैं वो साथ में मिली हैं। तो ये आ गया थंडरबर्ड एक्स के साथ में मटेरियल रिजर्वायर टैंक के लिए। और अब हम क्लासिक का भी खोल के देख लेंगे कि कैसा डिस्क ब्रेक रिजर्वायर का कवर है। तो इसको निकाल के भी देख लेते हैं। तो इसमें भी सेम, लेकिन इस पे क्लासिक लिखा हुआ है। जैसे इस पे थंडरबर्ड एक्स लिखा है, इस पे हमें क्लासिक लिखा हुआ मिल रहा है। और इनको भी हम थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्लासिक यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे रॉयल एनफील्ड, ठीक है। और इसके साथ में भी दो स्क्रूज और दो इनकी वॉशल्स जो हैं वो साथ में आती हैं। इंस्टॉल करते हुए देखेंगे कि कैसे और कहाँ पे ये यूज़ होंगे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो चलिए अब इंस्टॉल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिक का उठाएंगे ये रिजर्वायर कवर और इसको इंस्टॉल करके देखेंगे। तो दोस्तों, ये आ गई हमारी रॉयल एनफील्ड क्लासिक बाइक और ये है डिस्क रिजर्वायर जिसको हम इंस्टॉल करेंगे, इसके ऊपर का कवर। तो सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा पेंट करेंगे।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें आपको रस्ट का भी कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं और थोड़ा रंग मेरे को फेडेड दिख रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा स्प्रे पेंट मारूंगा, उसके बाद में इसके ऊपर जो रिजर्वायर है वो इंस्टॉल करेंगे। तो पहले इसके ऊपर स्प्रे पेंट करेंगे हम। इसको थोड़ा सा हम ड्राई होने देंगे, सूखने देंगे। अब हमारा पेंट जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हम इसके ऊपर ये वाले स्क्रूज जो हैं इनको निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ योर स्क्रू ड्राइवर। और अब ये जो आपका डिस्क रिजर्वायर है इसको हम इंस्टॉल कर देंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और इसके ऊपर जो साथ में स्क्रूज आए हैं डिस्क रिजर्वायर केस के साथ में, इनको हम इसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे विद वॉशर्स। तो वॉशर लगा के आपको ये रिजर्वायर जो है इसके ऊपर ये स्क्रूज जो है वो कस देने हैं, बस इतना ही करना आपको। और ये जो स्क्रूज आते हैं ये एल की जो आती है उसके साथ में ये टाइट होते हैं, तो इसलिए आपके पास में एल की सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास में एल की सेट नहीं है तो ये इंस्टॉल नहीं होंगे। तो दोस्तों ये है वो एल की जिसके साथ में इनको आपको टाइट करना पड़ेगा। अगर आपके पास में नहीं है तो आप मैकेनिक से भी फिट करवा सकते हैं, सिर्फ 2 मिनट का काम है। और ये देखिए धीरे धीरे दोनों को टाइट करते जाएं, ऐसा ना करें कि एक को टाइट किया और एक को जो है वो बाद में टाइट किया। दोनों को थोड़ा थोड़ा टाइट करते रहें। ये देखिए देखिए दोस्तों लुक्स काफी एनहांस हुई हैं इस रिजर्वायर कवर को लगाने के बाद में, और अच्छा भी दिख रहा है बाइक। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाइक की जो लुक है वो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है इस रिजर्वायर केस को लगाने के बाद में। ये देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हमारे पास में दूसरी बाइक है ये, इसको भी मैं धीरे धीरे रेडी कर रहा हूँ। ये कस्टमर की बाइक है और ये हमारे पास में अपग्रेडेशन के लिए आई थी, पर ड्यूरिंग लॉकडाउन हम इस पर ज़्यादा काम कर नहीं पाए, तो अब धीरे धीरे इसको भी इम्प्रूव करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है, तो अब हम इसका रिजर्वायर कवर भी लगाएंगे। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और देखते रहिए। दोस्तों इसको भी इंस्टॉल करने से पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रे कर लेंगे। तो दोस्तों इसका स्प्रे पेंट जो अब सूख चुका है, अब इसके ऊपर हम जो
ऑलरेडी स्क्रूज इंस्टॉल्ड हैं उनको निकाल लेंगे। और एल की हेल्प से हम इन स्क्रूज को भी विद वॉशल इंस्टॉल करेंगे। मुझे ये जो इन्होंने स्क्रूज दिए हैं वो ज़्यादा अच्छे लगे एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल स्क्रूज मार्केट में आते हैं, क्योंकि वो कोई भी खोल सकता है। अगर इस बाइक को आपने कहीं पार्क किया और उसमें अगर नॉर्मल स्क्रूज लगे हैं तो उनको कोई भी खोल सकता है, लेकिन एल की जो है वो अमूमन सभी के पास नहीं होती, तो थोड़ा सिक्योरिटी और ज़्यादा हो जाती है इस प्रोडक्ट की। ऑल दो इतना महंगा प्रोडक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई आपकी कोई चीज़ बाइक से निकाल ले या कोई नुकसान करे तो बहुत दुख होता है। तो ये जो इन्होंने स्क्रूज दिए हैं विद दिस कवर वो बहुत अच्छे लगे, क्योंकि ये एल की से ही टाइट होंगे और डेफिनेटली अगर इनको खोलना है तो आपको एल की से ही खोलना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये थंडरबर्ड का जो डिस्क ब्रेक रिजर्वायर है ये भी हमने टाइट कर दिया है और लुक्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं बड़ा प्यारा लग रहा है। ये देखिए, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको रॉयल एनफील्ड की किसी और एक्सेसरीज के बारे में जानकारी लेनी है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक बटन जरूर प्रेस करिएगा, हमें इससे एनकरेजमेंट मिलती है। और मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें सो दैट आपको मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलेंगे अगले किसी और नए वीडियो में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने होस्ट संदीप ढडवाल को दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल सेंस ऑफ स्मार्ट शॉप फॉर ऑल द न्यू वीडियोस। क्लिक ऑन द बेल आइकॉन सो यू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस।